हाय गाइस, वेलकम टू एडुसॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज का ये वीडियो है मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड क्रैनफेल कैंपस कनाडा के बारे में। गाइस, दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन सिनिक वेस्ट कोस्ट ऑफ द आइलैंड। गाइस, मेमोरियल यूनिवर्सिटी में अच्छी बात ये है कि यहाँ 450 डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ताकि आप अपने क्लासरूम को बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी एक्सटेंड कर सकें। गाइस, मेमोरियल में मोर देन 18,500 स्टूडेंट्स अलग अलग कैंपसेस में रह के पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं पॉपुलर बैचलर कोर्स प्रोग्राम्स की तरफ। तो आप आर्ट्स फील्ड में बैचलर्स कर सकते हैं, और हिस्टोरिकल स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशल या कल्चरल स्टडीज जैसे कोर्स प्रोग्राम्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं अपने बैचलर्स के लिए। गाइस, आप फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स में भी बैचलर्स कर सकते हैं, और आप चाहें तो बैचलर ऑफ साइंस में भी जा सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटिंग, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस, नर्सिंग, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी। गाइस, आप चाहें तो बैचलर प्रोग्राम्स जो भी आप चूज करें, एज पर योर एंट्री रिक्वायरमेंट्स, आपके 12th का स्कोर मिनिमम 50% और आपके आईएलटीएस का स्कोर 6.5 विद नो बैंड लेस देन 6 होना चाहिए। एंड गाइस, मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड में एडमिशन लेने के लिए आपको 120 कैनेडियन डॉलर एप्लीकेशन फी भी देनी होगी। तो गाइस, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपने अभी तक माइंड मेकअप नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कीजिए, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, ताकि हम आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल बिल्कुल सही सजेशन दे पाए। बट गाइस, अगर आप खुद से ट्राई करने की सोच रहे हैं तो प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा एक साल खराब कर सकती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की साबित हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप हमारे बैक टू बैक वीडियोस का वेट भी करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।